नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सब का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश वासु। और चलिए मेरा देश मेरा प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। मिशन वरुधरा के तहत राहुल गांधी जयपुर आज सुबह पहुंच चुके हैं। आज सुबह 5:44 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और तीनों सह प्रभारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी होटल रामबाग के लिए रवाना हुए। वहां पर राहुल गांधी, आपको बता दें कि अभी रामबाग होटल में ही मौजूद हैं और उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब राहुल गांधी जो है जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद जो है वो जयपुर पहुंचने जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दी, आज राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जयपुर में कांग्रेस कार्यालय के भवन का शिलान्यास करेंगे, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद का भी कार्यक्रम है। करीब 75 करोड़ की लागत से जो भवन है पीसीसी का नया बनने जा रहा है। इसके अलावा जयपुर में कांग्रेस नेताओं के 2 कार्यक्रम होंगे। पहला शिलान्यास स्थल पर कार्यक्रम और उसके बाद सभा स्थल पर कार्यक्रम में राहुल गांधी जो है वो शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आज कांग्रेस के लिए बेहद खास दिन है, कई कार्यक्रम आज जो है महत्वपूर्ण आयोजित होने जा रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास आज होने जा रहा है, भूमि पूजन होगा और राहुल गांधी जो है वो भूमि पूजन में यहाँ पर शामिल होंगे। तमाम कांग्रेस के प्रदेश के जो नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार जो हैं वो लाइव जुड़े हुए हैं और हर एक तस्वीर हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट से हमारे साथ काशीराम जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही जहां पर सभा होनी है वहां से भी हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट का मैं रुख कर रही हूँ। काशी, कुछ ही देर में बताया जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहुंचने जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है और वहां उन्हें रिसीव करने के लिए कौन कौन पहुंच रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचेंगे और सुबह 11:50 पर उनके जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। यहां पर इस दौरान उनको रिसीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आ सकते हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्री और विधायक यहां पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान उनको रिसीव करेंगे और एयरपोर्ट पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो गाड़ियों का काफिला है वो यहां पर लग चुका है और साथ ही जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो भी यहां पर पुख्ता नज़र आ रहे हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं आप यहाँ पर और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था जो है वो CISF जो है जो कि जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था संभालती है उनकी तरफ से भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं और राजस्थान पुलिस जो है उनकी तरफ से भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में उनके बताया जा रहा है कि संगठन महामंत्री जो हैं कांग्रेस के KC वेणुगोपाल वो दोनों आएंगे और सुबह 11:50 पर वो यहाँ जयपुर पहुँच जाएंगे और इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वो यहाँ से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे जो कि यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम है, भूमि पूजन जो होगा नए हाईटेक भवन का कांग्रेस के और साथ ही जो सभा को संबोधित करेंगे जिसमें कि कार्यकर्ता सम्मेलन जिसको नाम दिया गया है जिसमें और राहुल गांधी रहेंगे और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसको संबोधित करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल दोनों ही थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनकी जो फ्लाइट है वो सुबह 11:50 पर लैंड हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और उनका यहाँ पर स्वागत भी किया जाएगा। इस दौरान यहाँ पर कई मंत्री और विधायकों के रहने की उम्मीद है और उनके स्वागत के बाद वो सभा स्थल के लिए यहाँ से सीधे रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, ठीक है काशी, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे, मूवमेंट पर नजर बना के रखिए। दूसरी तरफ सभा स्थल से भी हमारे सहयोगी शशि मोहन जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, सभा स्थल की बात की जाए वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और अभी कौन कौन से पदाधिकारी जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ खास तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं?
हिमाद्री, नेताओं पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन थोड़ी देर पहले जब हम आशीष से बात कर रहे थे तब हमने दर्शकों को बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग समय अलग अलग जगह दिए हैं। कार्यकर्ताओं को 10 बजे का समय दिया था सभा स्थल पहुंचने का, मीडिया को 11:30 का समय बताया था कार्यक्रम के लिए, लेकिन राहुल गांधी 1 बजे तक पहुंचेंगे और उससे पहले जैसा सहयोगी काशीराम बता रहे थे शिलान्यास करेंगे और उसके बाद यहाँ सभा स्थल पर आएंगे। अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, जर्मन डोम 3 लगाए गए हैं, जो मुख्य डोम है वो ट्राइकलर थीम पर है, तिरंगे की थीम पर है, और इस तिरंगे का महत्व ये कि देश का जो झंडा है तिरंगा उसका ध्यान रखना है और कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है उसका ध्यान रखना है, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को यह मैसेज। दूसरी बात, पिछले 15 साल में इस तरह का सम्मेलन कांग्रेस पार्टी में नहीं दिखा जब उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया हो जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित कर रहे हो, लेकिन ये कार्यक्रम जो है वो पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं का भी हो गया है, कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। मंच की हम बात करेंगे तो पहले मंच पे थोड़ा रैंप बनाया था, ये बात थी कि राहुल गांधी थोड़ा रैंप पर आकर के वॉक कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से थोड़ा नज़दीकी संवाद स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता और महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी, उनसे बात करते हैं। स्वर्णिम जी, जो सारी व्यवस्थाएँ की गई है उसमें क्या खास है, क्या विधायकों को बोर्ड मंडल अध्यक्षों के जो मंडलों के अध्यक्ष उनको कोई विशेष तरजीह दी गई है? देखिए, विशेष तरजीह संगठन को दी गई है इस वक्त, और आप देखेंगे कि जो मंच पर हमारे सारे जिलाध्यक्ष इस वक्त मंच पर बैठेंगे श्री राहुल गांधी जी खड़गे साहब के साथ, क्योंकि ये एक संगठन का सभी जिलाध्यक्ष बैठेंगे पूरे जो प्रदेश के जिलाध्यक्ष हैं वो मंच पर व्यवस्था है आज उनकी। इसलिए व्यवस्था है कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ता के साथ जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका सम्मेलन है, उसमें विशेष महत्व हमारे जिलाध्यक्षों का होता है, तो मंत्रीगण के साथ जिलाध्यक्ष मंच पर हैं। और आज आप देखेंगे कि सभी जगह से जो बूथ के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल कार्यकारिणी के हैं, जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हमने सिर्फ कार्यकारिणी के लिए कहा था हर विधानसभा क्षेत्र से, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कहीं से 2000, कहीं से 5000, कहीं से 3000 ऐसे लोग चल करके आ रहे हैं, कार्यकारिणी से भी ज़्यादा लोगों को लेकर के आ रहे हैं, ये कहीं आपकी व्यवस्थाओं को तो नहीं बिगाड़ेगा इतना? जोश है, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जयपुर आए हैं, जोश है, राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता एक एम लेकर के चल रहे हैं, पुनः कांग्रेस सरकार बनानी है और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में। और आप ये देखेंगे जोश और खरोश, हमने करीब ये सोचा था कि 60,000 लोग हमने बुलाए, 70,000 आ जाएंगे, 75,000 आ जाएंगे, और जो एस्टिमेट जो आ रहा है चारों तरफ से, जो मैं हाईवे से हमारी रिपोर्ट आ रही है, जो आईडी कार्ड्स वहाँ पे दे रहे हैं, हाईवे पे अलग अलग चुंगी नाके लगा रखे हैं, मतलब जो ऑक्ट्रॉय सेंटर्स हैं या हमारा जो कलेक्शन सेंटर है वहाँ पर हमने टेंट लगा करके व्यवस्था की, वहाँ पर बांट रहे, तो वो कह रहे हैं कि जिस विधानसभा क्षेत्र से हमने 300 लोग एक्सपेक्ट किए थे वहाँ से 3000, कहीं से 2000 लोग भर के आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में वो मौका था जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों एक साथ मंच पर रहे, मंच साझा किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं में मंच संचालन में कई बार ये दुविधा दिखती है कि सबसे आखिर में किसका भाषण कराएं, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है उसका भाषण होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी को सुनने का क्रेज ज़्यादा है, आशंका इस बात की रहती है कि राहुल गांधी का भाषण खत्म होने के बाद कार्यकर्ता इधर उधर चला ना जाए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्यकर्ता तो कांग्रेस का है जो कांग्रेस के लिए आया है, किसी और पर्पज से नहीं है, हमारे नेताओं को सुनने हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे महबूब नेता राहुल जी हैं, तो उनको सुनने के लिए इतनी दूर दूर से अगर लोग आ रहे हैं तो ये जोश है उनका, और कोई दुविधा कहीं नहीं है, एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत AICC से तय प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ही मंच पर कार्यक्रम संचालित होता है। एक इमेज मेकओवर का भी सवाल आ रहा है, उसके बाद मैं जनता के बीच में जाऊँगा। स्वर्णिम जी, राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर्स के साथ में सफ़र कर रहे हैं, सब्जी वालों फ्रूट वालों के साथ में जाके मंडी में उनका हाल जान रहे हैं, बाइक रिपेयरिंग वालों से समझ रहे हैं कि कैसे काम करते हैं, वो खुद बुलेट को इंजन खोल करके वापस उसको बांध रहे हैं, अब उन्होंने कुलियों से बातचीत की है, तो ये क्या इमेज मेकओवर है, भारत को समझने की कोशिश है या लोगों से तारतम्य बैठाने की कोशिश है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो अनवरत जारी है, ये भारत जोड़ो यात्रा का ही एक पार्ट है, एक्सटेंशन है, जिसमें अलग अलग वर्ग के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों को जोड़ रहे हैं, प्रेम सद्भाव और भाईचारे से जोड़ रहे हैं, तो ये भारत जोड़ो यात्रा अनवरत जारी है। आगे हमने देखा कि उन्होंने जैसे की थी उसके अलावा ये भी उसी का भाग है, चाहे लद्दाख गए, चाहे कुली से मिले, जैसे डिमांड आई, जिस वर्ग से आई वो वहाँ जा कर के मिलते हैं, और ये अपने काम में अनवरत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस से भी भारत जुड़ रहा है और भारत आपस में भी जुड़ रहा है।
स्वर्णिम चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कांग्रेस से भारत जुड़ रहा है, भारत आपस में जुड़ रहा है, ये नेताओं की पार्टी के कार्यकर्ताओं की कतार है, प्रमुख लोग जो बैठे हैं उनसे आगे विधायक और जो विधायक प्रत्याशी रहे और साथ में जो बोर्ड मंडल के अध्यक्ष चेयरमैन हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद रहे। ये हिम्मत सिंह गुजर है, पीसीसी के सचिव है। हिम्मत सिंह जी, संगठन का कार्यक्रम है, संगठन तो आगे बैठा है, आप पीछे बैठे हैं? नहीं, जहाँ जिम्मेदारी दी वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी यहाँ की है, हमारी सीट यहाँ की है तो यहाँ बैठे हैं। ये पार्टी एक अनुशासन के तौर पर चलती है, इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए सबको जिम्मेदारी दी है। हिम्मत सिंह जी, किसानों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए आज, और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए राहुल गांधी और खड़गे की तरफ? देखिए, हमेशा राहुल जी और कांग्रेस पार्टी किसानों की बात करती है। पिछले दिनों जब हमने आंदोलन किया 13 महीने, तो राहुल जी सबसे पहले आगे आए और राहुल जी ने पूरा संदेश दिया कि हम किसानों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, तो बड़ा संदेश जाएगा। और राजस्थान में जो परिपाटी आ रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो अब की बार परिपाटी बदलेगी, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का फायदा ग्राउंड लेवल पर हुआ है, इसलिए इस बार हम वापस बैक कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। अलग अलग योजनाओं पर लगे हुए हैं, आपको सबसे प्रभावी योजना कौन सी लगती है लोगों को जोड़ने? सबसे पहले चिरंजीवी योजना है, इससे बड़ी पूरे देश में ही ऐसी कोई योजना नहीं है जो आम जन के लिए हितकारी हो। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये एक उदाहरण बनेगी पूरे देश में, सरकार ये उदाहरण बनेगी देश में, ये कहा जा रहा है। और पार्टी के नेता मंच पर पहुंचे, सुखजिंदर रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसी सचिव गोविंद डोटासरा, और ये उनको रेस्पॉन्स देने के लिए लोग दिख रहे हैं आपको। कैमरा पर्सन संजय कुमरे से कहूंगा जरा मंच का नज़ारा दिखाएं आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिख रहे हैं, साथ में पीसी सचिव गोविंद डोटासरा हैं, प्रभारी रंधावा हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, और जो शशि दूसरी तरफ जो है तस्वीरें यहां पर होटल रामबाग से भी आ रही है, जहां पर राहुल गांधी का जो काफिला है वो भी निकल चुका है होटल रामबाग से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और यहां से राहुल गांधी जो है सीधा रवाना हो रहे हैं, और पीसीसी का जो नया भवन बनेगा उसको जो है यहाँ पर शिलान्यास उसका राहुल गांधी करेंगे। और हमारे सहयोगी सचिन यहाँ से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर रहे हैं। सचिन, देख पा रहे हैं हम काफिला जो है राहुल गांधी का निकल पड़ा है, अब किस तरफ ये काफिला? जी देखिए, बिल्कुल सूचना ऐसी है कि राहुल गांधी अब गांधी म्यूजियम दर्शन जो है, गांधी म्यूजियम, गांधी वाटिका जो बनाई गई है उसके उसकी तरफ जो है वो अब मूव करा है काफिला। तो पूरा काफिला जो है वो अब गांधी म्यूजियम की तरफ यहां पर निकल पड़ा है, और कह सकते हैं कि जो 3:30 बजे वाली जो गांधी म्यूजियम में उद्घाटन होने वाला है उसको लेकर जो पहले सीएम पहुंचने वाले थे, सीएम की ऐसी सूचना थी कि सीएम अशोक गहलोत जो है वो खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी खुद गांधी म्यूजियम जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। और गांधी म्यूजियम पर जो 3:30 बजे उद्घाटन होने वाला है उसका उसका जो जायजा है, उसके जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं का जो जायजा है वो लेने खुद जो राहुल गांधी है वो वहां पर पहुंचे हैं 3:30 बजे। आपको बता दें उद्घाटन होना है, और उद्घाटन होने के साथ ही जो उससे पहले आपको बता दें कि 11 से 11:30 बजे जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही वो मानसरोवर स्थित जो सभा स्थल है जी, जी। वो जो बना रखा है वहां पर जाएंगे, और साथ ही जो सभा है उसका भी आयोजन वहां पर किया जाएगा। और आपको अब बता दें कि कहा जा सकता है कि अब राहुल गांधी जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं, और राहुल गांधी अब गांधी दर्शन जो गांधी वाटिका बनाई गई है जिसमें गांधी जी की पूरी जीवनी दर्शाई गई है उसका व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। जी ठीक है सचिन, दूसरी तरफ रुक कर रहे हैं शशि, सभा स्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, तस्वीरों में देख पा रहे हैं मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो काफिला बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर आपको दादी के जो गांधी वाटिका बनी है उसकी तरफ उनका काफिला रुक कर रहा है। तो कोई जगह चाहिए ना, ऐसी थोड़ी होगा कि सारे मूवी खींच कर इनका जूम यहां से भी आराम से काम करता है। सुबह 5:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, और लगातार राजस्थान जो है आपको तस्वीरें दिखा रहा है, लगातार शुरू से वहां से जो है रामबाग होटल जो है वो यहां पर पहुंचे थे, और रामबाग होटल में करीब 2 घंटे की चर्चा जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की थी। उसके बाद में अब जो है गांधी दर्शन के लिए
यहाँ पर राहुल गांधी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ से सीधा सभा स्थल जो बनाया हुआ है इंदिरा गांधी भवन, नया पीसीसी का दफ्तर जो तैयार हो रहा है उसको वो वहाँ पर जो भूमि पूजन है वो रखा गया है उसमें शामिल होंगे। उसके पास ही एक सभा, बड़ी सभा का आयोजन भी करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन नाम दिया गया है, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों को पहली बार जी बूथ स्तर और कार्यकर्ताओं को पहली बार कोई ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सचिन। और ठीक है, सभा स्थल से भी तस्वीरें हमारे तक पहुंच रही है, वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज मिल रही है जी बिल्कुल। शशि, तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हिमाद्री, बिल्कुल व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए इससे पहले मुख्यमंत्री चाहे प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा अलग अलग समय दौरे कर चुके हैं। डोटासरा तो 3 दौरे कर चुके हैं यहाँ के जी, जी। और आज एक बार फिर सभा से ठीक पहले ये जायजा लेने आए हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी होटल से निकले हैं और जैसा सहयोगी सचिन बता रहे थे कि गांधी वाटिका की तरफ पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी जो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। अगर कोई सुधार या बदलाव होंगे तो वो भी किए जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि जो रैंप बना हुआ है वो रैंप बहुत ज़्यादा लंबा था, उसको तकरीबन 1/3 कर दिया है। ये रैंप करीब 15 मीटर से ज़्यादा लंबा था और उसको अब करीब 5-6 मीटर के अंदर समेट दिया है। और रैंप पर राहुल गांधी आएंगे, इससे पहले हैदराबाद की सभा थी जिसमें अलग से रैंप बना था, लेकिन तब ये बात आई थी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या दोनों रैंप पर आएंगे, लेकिन चूंकि खड़गे उम्रदराज हैं और खड़गे सीनियर भी हैं तो उनकी मौजूदगी को देखते हुए राहुल गांधी रैंप पर आएंगे या नहीं आएंगे इस बात को लेकर के संशय बना हुआ था। उसी बात पर जो हमें पता लगा है उसी बात पर चर्चा चल रही है। पीसीसी के पदाधिकारी मौजूद हैं, मंत्री रामलाल जाट यहां पर दिख रहे हैं आपको, संदीप चौधरी दिख रहे हैं, आरसी चौधरी हैं और साथ में पीसीसी गोविंद डोटासरा हैं, मंत्री हैं और बिल्कुल। शशि, मैं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव, आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मुख्यमंत्री अभी जो है जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कार्यक्रम पे, सभा स्थल पे, कि किस तरीके की तैयारियां हैं सभा से पहले, लेकिन राहुल गांधी का बताया जा रहा है कि काफिला जो है वो गांधी वाटिका की तरफ रुक कर रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री उनके साथ वहां पर पहुंचेंगे कुछ ही देर में, यहां से रवाना होकर वहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, इसके बाद में एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आने वाले हैं, उनकी अगवानी करेंगे। फिलहाल राहुल गांधी का काफिला गांधी वाटिका की तरफ निकला जरूर है, लेकिन यहां से अभी कोई नेता, बड़ा नेता या कोई पदाधिकारी अभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने और उनकी टीम ने बताया है कि सीधे यहाँ पहुँचने की बात कही है, वो तकरीबन 12 बजे के आसपास शिलान्यास स्थल पर पहुँचेंगे जो अभी तक का शेड्यूल बताया जा रहा है। हालाँकि राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं, ऐसे में ये भी बात आई है कि राहुल गांधी यहाँ खड़गे से पहले पहुँच जाएंगे, खड़गे की अगवानी करेंगे, उनको रिसीव मंच पर राहुल गांधी करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं वो मंच से भी सामने आ रही है, किस तरीके से तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं प्रदेश के, वो हर एक तस्वीर खुद से देख रहे हैं, हर एक तैयारियों को खुद से देख रहे हैं ताकि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, कहीं भी कोई चूक ना रह जाए। और ठीक है शशि, आप बने रहेगा हमारे साथ और यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और इस खबर पर लगातार